गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अटेंडेंस सेंड कर दो सभी चैट बॉक्स में। हाँ जी, कर दी सभी ने अटेंडेंस सेंड? यस मैम। तो वीडियोस ऑन कर लो। कई तो मन में गालियां निकालते होंगे, मैम सुबह सुबह वीडियो ऑन करवा देते हैं, मुंह धो के बैठना पड़ता है, बाल ठीक करने पड़ते हैं, कहाँ हमने बिस्तर में बैठ के क्लास लगानी थी, तब सीधे बैठना पड़ेगा। चलो कोई गल नहीं। ओके, तो आज हमने करना है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड।
पहले डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन होगी तभी हम कोई पोस्ट बना सकेंगे। सो दिस इज द डैशबोर्ड जो हमने लास्ट टाइम जब इंस्टॉलेशन की थी उसका लास्ट स्क्रीन जो आई थी वो यही थी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है ये बताती है, सारा हमने करना है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग दे दो, वर्डप्रेस डैशबोर्ड। स्पेलिंग सामने लिखे हैं डैशबोर्ड के, गलत मत लिखना, ये लिखे हैं ऊपर। मैम 1 मिनट, 1 मिनट मैम। ठीक है जी, ठीक है। मैम वीडियो बंद कर लूं? कर लो जी। यस मैम, हो गया, बोल दो। ठीक है जी, हेडिंग लिख लिया वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब इसके अंदर वर्डप्रेस डैशबोर्ड इज द फर्स्ट स्क्रीन, इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ फर्स्ट स्क्रीन ऑफ वर्डप्रेस एडमिन कंट्रोल पैनल। वर्डप्रेस एडमिन कंट्रोल पैनल After the login, it provides वेबसाइट इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स वेबसाइट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, GLANCE, एट ए ग्लांस। स्पेलिंग्स में साथ साथ भेजी जाती है ताकि आप गलत मत लिखना। ठीक है, ग्लांस के स्पेलिंग भेज दिए हैं। कोमा, इट इज इजीली कस्टमाइजेबल। स्पेलिंग चैट बॉक्स में है कस्टमाइजेबल। एंड ऑफर क्विक असेस टू अदर पेजेस एंड ऑफर्स क्विक असेस टू अदर पेजेस नेक्स्ट पॉइंट फॉर हैंडलिंग ऑल डिफरेंट यूटिलिटीज। ऑफ वर्डप्रेस मैम डिफरेंट के बाद क्या था? यूटिलिटी स्पेलिंग चेक यूटिलिटी बॉक्स में है। ऑफ वर्डप्रेस कॉमा, यू नीड ए कंट्रोल पैनल, यू नीड ए कंट्रोल पैनल फ्रॉम वेयर यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम वेयर यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर एंटायर वर्डप्रेस वेबसाइट।
योर एंटायर वर्डप्रेस वेबसाइट। अब इस पॉइंट में कंट्रोल पैनल जहाँ पे लिखा है उस चीज को अंडरलाइन कर लो, सिर्फ कंट्रोल पैनल को अंडरलाइन कर लो। देन नेक्स्ट पॉइंट मैम लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, फॉर हैंडलिंग ऑल द डिफरेंट यूटिलिटीज ऑफ वर्डप्रेस यू नीड ए कंट्रोल पैनल फ्रॉम वेयर यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर एंटायर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है जी, इसमें कंट्रोल पैनल को अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट जो मेन फोकस है कंट्रोल पैनल के यूज का है कि कंट्रोल पैनल क्यों यूज करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं बाद में, अभी पहले इसकी मेन मेन जो इंफॉर्मेशन है वो लिखो। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है द एडमिन डैशबोर्ड। द एडमिन डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस is also called WP admin panel. WP means WordPress admin panel. Admin dashboard को admin panel भी बोलते हैं WordPress का। ठीक है, अब इस line में WP admin panel को underline कर लो। Next, it acts as a control unit which consists of collection of gadgets. Spelling checkbox. Which consists of collection of gadgets that can help you आशीष जी बड़े खुश हो, क्या हो गया? नहीं मैम कुछ नहीं हुआ। ओके, नहीं हंस लो हंस लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा कहाँ थे हम? हाँ, दैट कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर वेबसाइट विद ए कस्टमाइज्ड लुक कस्टमाइज्ड के स्पेलिंग भेज देती हूँ। कलेक्शन ऑफ गैजेट्स दैट कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर वेबसाइट विद ए कस्टमाइज्ड लुक एंड थीम। इसी पॉइंट में फुल स्टॉप लगा के साथ ही लिखनी है अगली लाइन, देयरफॉर इट इज असेंशियल, या फिर असेंशियल अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप इसे इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट या फिर देयरफॉर इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड its features and its uses for users of WordPress. पहले इतना समझ लो क्या लिखा हमने। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड है जो वर्डप्रेस की फर्स्ट स्क्रीन है। अगर आपको याद हो जब मैंने इंस्टॉलेशन करवाई थी तो इंस्टॉलेशन के जब हमने कंप्लीट की थी, जब हो गया था इंस्टॉल, हमने लॉगिन किया तो फर्स्ट स्क्रीन जो वर्डप्रेस की हमारे सामने आती है
वो यही थी डैशबोर्ड वाली, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि डैशबोर्ड खुल गया हमारा, अब हमने जो भी करना है इसी में करना है, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्क्रीन है, ये तो हमने पता चल गया। उसके बाद इट प्रोवाइड्स वेबसाइट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, मतलब पूरी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन एक ही व्यू में मिल जाती है, इसी व्यू में हमें सारी अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इट्स इजीली कस्टमाइजेबल, हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसकी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, स्क्रीन ऑप्शन, आप कौन कौन से व्यूज देखना चाहते हो इसके डैशबोर्ड में। अगर मुझे इतना सारा नहीं चाहिए डैशबोर्ड, तो मैं इसमें से उसे कुछ भी अनटिक करके उस चीज को उड़ा सकती हूँ। लाइक दिस, ये देखो सारा हमारा डैशबोर्ड खाली हो रहा है, अब सारा कुछ उड़ा दिया, खत्म हो गया। तो कस्टमाइजेबल मतलब अब मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं अपनी मर्जी से उन्हें शो करवा सकती हूँ अपनी यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। तो ये है हमारा कस्टमाइजेबल होने का फीचर। देन नेक्स्ट इज क्विक ऑफर्स क्विक असेस टू अदर पेजेस, जो बाकी पेजेस हैं, जो यहाँ पे ये सारे टूल्स हमें गिवन हैं, इन सभी का भी क्विक असेस यहाँ पे मिल जाता है। लाइक पोस्ट का, पेजेस का, कमेंट्स का, जो ये देख पोस्ट पेजेस कमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही बाकी नीचे भी काफी सारे हैं, न्यूज के, वर्डप्रेस क्लैंप्स के सारे, ठीक है। इन सभी का क्विक असेस इसी पेज पे हमें मिल जाएगा, अगर आप इस साइड वाला मेन्यू नहीं भी यूज करना चाहते हो। देन फॉर हैंडलिंग ऑल डिफरेंट यूटिलिटीज ऑफ वर्डप्रेस यू नीड ए कंट्रोल पैनल फ्रॉम वेयर यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर एंटायर वर्डप्रेस वेबसाइट। मतलब क्या है कि अगर आपने वर्डप्रेस की किसी वेबसाइट को हैंडल करना है या कंट्रोल करना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जहाँ पे बैठ के आप उसे कंट्रोल कर सको। मतलब वो कौन सी जगह होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो होता है एडमिन वाला पार्ट, जो बैठ के कंट्रोल करता है सारा कुछ, ठीक है। तो वर्डप्रेस का एडमिन वाला पार्ट जो है वो ये डैशबोर्ड है। अगर किसी और सॉफ्टवेयर की बात करो, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर भी बनाया है, तो उसमें आपको पता होगा कि दो पार्ट्स हम बनाते हैं, एक एडमिन का पार्ट होता है और एक यूजर का पार्ट होता है, ठीक है। एडमिन वाला क्या करता है, जो भी उसने फैसिलिटीज यूजर्स को देनी है वो सारी उसमें डिसाइड करता रहता है। एंड जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, वो वाला पार्ट यूजर को शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो एडमिन वाला पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर में जो होता है, हमारी ये वेबसाइट जो है, हमारा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है, इसका एडमिन पार्ट ये है डैशबोर्ड। तो ये कंट्रोल पैनल की तरह वर्क करता है, डेट्स वाई वहां पे मैंने कंट्रोल पैनल को अंडरलाइन करवाया था। और हमारा जो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, उसे हम डब्ल्यूपी एडमिन पैनल भी बोलते हैं, वो तो हमें पता चले गया। अगर एडमिन पैनल की तरह वर्क करेगा तो हम इसे एडमिन पैनल बोल दो, जरूरी फंक्शन ने नाम याद रखने, ठीक। देन इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल यूनिट, जैसे हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है जो सारा कुछ कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारे वर्डप्रेस का ये वाला कंट्रोल यूनिट है जो सारे वर्डप्रेस की वेबसाइट को कंट्रोल करेगा। इसमें डिफरेंट गैजेट्स मिलेंगे, डिफरेंट आपको टूल्स मिलेंगे, डिफरेंट प्लगइन्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी, जो भी आपने थीम्स वगैरह रखने हैं, विजेट्स रखने हैं, बैकग्राउंड्स रखनी है, थीम एडिटर्स रखने हैं, सामने स्क्रीन पे देख लो, ठीक है, ये वाले सारे। देन पोस्ट के साथ क्या क्या चीजें करनी है, मीडिया कैसा रखना है, पेजेस कौन से होने चाहिए, कमेंट्स कैसे होने चाहिए, प्लगइन्स कौन कौन से ऐड करने हैं, ये सारा कुछ हमारे डैशबोर्ड में है, ठीक है। अभी तक हमने इतना लिखा है, अब इसके कुछ सेक्शंस है, क्या सेक्शंस है पहले उनके बारे में लिखो, फिर मैं मैम इसका यूजर साइड कैसा है? यूजर साइड कैसा है, ये वेबसाइट की तरह है। दिखा रही हूँ, वेट, कुछ ऐसा। अभी इन्होंने जो इन बिल्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है इन्हीं के बीच में, हमने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। जब भी आप कोई वेबसाइट इसमें बनाओगे तो अपने आप ये एक इन बिल्ट पेज बनाता है ऐसे, ठीक है। वो अगर आप देखो, ये है एडमिन वाला पार्ट जो हमारे डैशबोर्ड से खुला, इसमें मैं जो भी चेंजेस चाहूँ वो कर सकती हूँ। बट अगर यूजर की बात करें तो यूजर को कुछ ऐसा शो होगा जिसमें वो चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ कमेंट डाल सकता है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब पहले लिख लो उसी के बारे में, अब जहाँ पे हम थे डैशबोर्ड पे वापस आ रहे हैं। डैशबोर्ड के कुछ व्यूज हैं, तीन व्यूज हैं, तीन सेक्शंस हैं बेसिकली, व्यूज नहीं, ठीक है। उनके बारे में लिख लो, लिखो इट इट प्रोवाइड्स थ्री मेन सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन है हमारा ये जो ऊपर टूल बार दिख रही है हमें, ये वाली जिसमें लिखा है डब्ल्यू वाला, देन सीएसई वर्डप्रेस, देन कमेंट्स है, न्यू है, एंड ये हमारा जो एडमिन का नाम है। ये वाली जो लाइन है ये है हमारी टूल बार जो टॉप ऑफ पेज पे है, ठीक।
फर्स्ट सेक्शन इज टूल बार एट द टॉप ऑफ पेज. इसी के साथ लिखना है फर्स्ट पॉइंट में ही. इट कंटेन्स लिंक्स टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड. मैं रिपीट कर लूं? इट कंटेन्स, मैं दोबारा बोल दूं एक बार. इट कंटेन्स लिंक्स टू मोस्ट कॉमनली, कॉमन लिख के एल वाई, कॉमनली यूज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, भेज रही हूँ स्पेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड रिसोर्सेस. ठीक है, इसमें हमारे मोस्ट कॉमनली यूज एडमिन के जो टूल्स होते हैं कौन कौन से होंगे. एडमिन अगर वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहे या वेबसाइट का लिंक जो है ये हमारा वो भी इसी में है. एडमिन क्या कर सकते हैं, कमेंट्स देखने हो सकते हैं एडमिन को, जो एडमिन मोस्ट कॉमनली काम करता है. क्योंकि एडमिन ने अगर कोई नहीं भी चेंजेस करने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो वो ये तो देखेगा कि किसी यूजर का कमेंट आया है या नहीं आया. कोई कमेंट आया तो उसे रिप्लाई बैक करना है तो वो भी आएगा. देन कुछ अगर आप ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो इसी में टूल बार में कोई एक्सेस के लिए. देन ये एडमिन की अपनी सेटिंग्स के लिए. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका डैशबोर्ड का. सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट लिखो मेन नेविगेशन मेन्यू. ये जो लेफ्ट साइड पे हमारा शो हो रहा है ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक वाले पार्ट में, डार्क कलर में, डैशबोर्ड, होम, अपडेट्स, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, ये सारा. ठीक है, लिखो इट द मेन नेविगेशन. स्पेलिंग भेज देती हूँ नेविगेशन के, गलती मत करना. नेविगेशन मेन्यू, MENU मेन्यू, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. On the left hand side, indicating, spelling भेज दिए हैं, indicating links to all administrative screens of WordPress. It contains. हमें indicate repeat कर रही हूँ, repeat कर रही हूँ. मेन नेविगेशन मेन्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेटिंग लिंक्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो स्पेलिंग ऑलरेडी भेजे हैं देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीन्स ऑफ वर्डप्रेस. इसी के साथ नेक्स्ट लाइन है, इफ यू होवर, HOVER, H लिख के over, ठीक है. If you hover, अब over लिखना है, hover over a menu item, hover over a menu item, comma a sub menu. सब मेन्यू विद एडिशनल आइटम्स विल बी डिस्प्लेड. सब मेन्यू विद एडिशनल आइटम्स विल बी डिस्प्लेड. अब बस इतना ही इस पॉइंट में. इसमें क्या हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड पे जो है हमारा ये स्क्रीन का पार्ट, इसमें सारे हमारे मेन्यूज होंगे. और ये मेन्यूज कौन से हैं, जो भी एडमिन इसमें चेंजेस करना चाहता है उसकी सारी डिटेल्ड मेन्यूज है. सिर्फ मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो थे वो थे हमारे टूल बार में शो होते, बट जो नो कॉमनली नहीं यूज करता बट कभी कभी करने पड़ सकते हैं वो सारे इसमें हैं अलोंग विद द कॉमनली यूज जो भी हमारे मेन्यूज हैं. ठीक है, प्लस हमने ये क्या लिखा कि होवर ओवर का मतलब क्या है. पहली बात तो ये होवर मतलब सिर्फ माउस लेके जाना है, क्लिक नहीं करना,
सिर्फ माउस लेके गए, अपने आप साइड पे कुछ खुल रहा है, ये जैसे मैंने पेजेस पे माउस लेके गई तो ऑल पेजेस ऐड न्यू वाला पार्ट खुल रहा है, मीडिया पे लेके गई लाइब्रेरी और ऐड न्यू खुल रहा है, पोस्ट पे लेके गई तो क्या खुल रहा है, ठीक है अपीयरेंस पे लेके गई कुछ साइड पे खुल रहा है, होवर ओवर मतलब सिर्फ माउस लेके जाना है, माउस ऊपर, माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाना है तो उसके अंदर आपको काफी सब मेन्यूज खुल जाते हैं हर मेन्यू के अंदर, ठीक है। वो सब मेन्यूज एडिशनल आइटम्स हैं जो कि एडमिन यूज कर सकता है, उस मेन्यू के अंदर फंक्शनैलिटी उसकी होगी, ठीक है। सिर्फ अभी तक इतना लिखा है, अब थर्ड पार्ट भी लिख लो इसका। थर्ड सेक्शन हमारा है मेन वर्क एरिया, वो बचगी जो स्क्रीन का पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट या क्रीमी शेड वाला पार्ट जो है, ये है हमारा वर्क एरिया। अब इस पे हर टाइम पे डिफरेंट चीजें शो होंगी, फर्स्टली तो अभी वर्क डैशबोर्ड खुल रहा है, अगर मैं पोस्ट वाला पार्ट पे क्लिक करूँ तो उसकी डिटेल्स खुलेंगी। ये हमारा वर्क एरिया है जिसमें हर बार जो भी हमारी हमने मेन्यू सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चेंजेस होते रहेंगे और हमारा वर्क एरिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये है हमारा, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिस एरिया पे, वो हमारा वर्क एरिया, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? वेट क्लास। यस मैम। यस मैम। यस हाँ जी, आगे लिखो। अब फीचर्स ऑफ, अगला हेडिंग है फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। मैं मेन वर्क एरिया लिखवाना था, बस इतना ही लिखना है बेटा उसमें। मेन वर्क एरिया हर बार चेंजेस होते रहेंगे तो उसमें कुछ नहीं लिख सकते, बस इतना याद रखो। ये जो व्हाइट स्क्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये सारा मेन वर्क एरिया है हमारा, ठीक है। अब लिख लो वर्डप्रेस डैशबोर्ड फीचर्स। मैम न्यू टॉपिक है, इसी के अंदर डैशबोर्ड के ही हम फीचर्स लिखने जा रहे हैं जो हम कर रहे थे ऑलरेडी। दोबारा दस्यो, वर्डप्रेस डैशबोर्ड फीचर्स। अब इसके अंदर लिखो फीचर्स के पहले नाम लिख लो, फिर उनके बारे में लिखते हैं। नंबर वन फीचर है टॉप एडमिन बार, टीओपी टॉप, ADMIN एडमिन, BAR बार। देन सेकंड है स्क्रीन ऑप्शंस, थर्ड है ये जो सामने लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस वाला मेन्यू, वेलकम टू वर्डप्रेस दिस वन, ठीक है जी। देन नेक्स्ट लिखो जी एट ए ग्लांस, ये जो दिख रहा है ये वाला एट ए ग्लांस, स्पेलिंग सामने ही है। देन क्विक ड्राफ्ट लिखो, ये साइड पे लिखा हुआ है क्विक ड्राफ्ट। Then activity, then WordPress events and news, ये वाला, then admin sidebar मेन्यू, ये वाला
एडमिन साइड बार साइड लिख के बी ए आर बार इकट्ठा लिख देना जोड़ के मेन्यू अब पहला हेडिंग दो हमारा जो लिखा है आपने टॉप बार ये वाली जो हमने टूल बार लिखी थी उसी के बारे में है टॉप एडमिन बार जो फर्स्ट फीचर लिखा है आपने उसके बारे में लिखो वर्डप्रेस टॉप एडमिन बार प्रोवाइड्स सम शॉर्टकट लिंक्स वर्डप्रेस टॉप एडमिन बार प्रोवाइड्स सम शॉर्टकट लिंक्स कॉमा विच इंक्लूड्स साइट डिटेल्स दिस वन विजिट साइट जो है ये साइट डिटेल्स बताता है ठीक है कॉमा प्लगइन अपडेट्स कॉमा यूजर कमेंट्स कॉमा राइट और एडिट द पोस्ट मीडिया पेजेस एंड यूजर्स पोस्ट मीडिया सामने लिखे हुए हैं ये सारे पोस्ट मीडिया पेजेस एंड यूजर्स ये वाले जहाँ पे मेरा कर्सर है लिख लिए जी इसी के साथ एंड लिख के लिखो एडमिन डिटेल्स नेक्स्ट लिखो स्क्रीन ऑप्शंस सेकंड हमने लिखा था स्क्रीन ऑप्शंस इसमें लिखो द वर्ड प्रेस स्क्रीन ऑप्शंस द वर्ड प्रेस स्क्रीन ऑप्शंस ये जो साइट पे है हमने अभी जो चेंजेस किए थे ये वाला याद है ना ये जो था हमारा स्क्रीन ऑप्शंस वाला टूल था ठीक है अब इसमें क्या किया हमने जो भी करंट पेज पे हमारे डैशबोर्ड पे क्या क्या शो होना चाहिए वो हमने सिलेक्ट किया था वही लिखना है अब इज रिलेटेड टू वर्ड प्रेस स्क्रीन ऑप्शन इज रिलेटेड टू करंट पेज कस्टमाइजेशन स्पेलिंग सारे भेजे हुए हैं पहले ही चैट में मैं करंट के बाद गया था करंट एक मिनट बच्चों के एडबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं फर्स्ट वाला रिपीट करने को पहले वो रिपीट कर देती हूँ फर्स्ट वाला जो टॉप एडमिन बार था उसमें हमने लिखा कि वर्डप्रेस टॉप एडमिन बार प्रोवाइड्स सम शॉर्टकट लिंक्स विच इंक्लूड्स नोटिफिकेशंस अबाउट प्लगइन्स देन साइट डिटेल्स थी कमेंट्स थे देन एडिट और राइट पोस्ट मीडिया पेजेस एंड यूजर्स थे देन था हमारा एडमिन डिटेल्स एटसेट्रा ठीक है अब जो सेकंड है स्क्रीन ऑप्शंस उसमें हम लिख रहे हैं कि वर्डप्रेस स्क्रीन ऑप्शंस इज रिलेटेड टू द करंट पेज कस्टमाइजेशन ठीक है इसी के साथ एंड इट may contain it may contain some checkboxes
ये चेक बॉक्सेस ही हैं हमारे सामने दिख रहे जो जिस पे हम टिक किया है, कभी अनटिक कर देते हैं, ये सारा कुछ, ये वाले, ठीक है? सम चेक बॉक्सेस टू शो और हाइड, टू शो और हाइड सम स्क्रीन ऑप्शंस. मैम हाँ जी मैम, स्क्रीन ऑप्शन वाला दोबारा बोल रहे हो. वर्डप्रेस स्क्रीन ऑप्शंस इज रिलेटेड टू करंट पेज कस्टमाइजेशन एंड इट मे कंटेन सम चेक बॉक्सेस टू शो एंड हाइड सम स्क्रीन ऑप्शंस. ठीक है जी. अब थर्ड था हमारा वेलकम टू वर्डप्रेस, उसका हेडिंग देके इसके अंदर लिखो, वेलकम टू वर्डप्रेस वाले के अंदर, ये वाला, इसके अंदर लिखो जी, इट प्रोवाइड्स सम यूजफुल लिंक्स, इट प्रोवाइड्स सम यूजफुल लिंक्स and steps for first time, it provides some useful links and steps for first time to start working with WordPress, to start working with WordPress. Baki features hum next lecture mein karenge. Meeting is about to end. अगर किसी का कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे. ठीक है जी. ओके मैम. ठीक है जी. ओके थैंक यू. ओके मैम. ओके.